गीध देह तज नर हरि रूपा तज धरि हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा भूषण बहु पट पीत अनुपा। गीत जटायु जी महाराज हमारे रामायण के जटायु जी धन्य है भारत। भारत के केवल पुरुष वीर नहीं होते, ये भारत वंश में रहने वाले वीरों जागो और अपने वीरत्व को पहचानो। ये वही भारत है जहां रघुवीर हुए, महावीर हुए और जटायु जी जैसे पक्षी भी यहां वीर हुए हैं। जब भारत की बेटी माता जानकी का हरण, विदेश का राजा रावण भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा था, बड़े बड़े देवता देखते रह गए। किसी के बाले बालों पर जू नहीं रहेंगी, किसी का खून नहीं खोला, किसी के अंदर वीरत्व नहीं जागा रावण के सामने जाने का। लेकिन मेरे पागलों, ये वही भारत है जहां पर पक्षी भी वीर होते हैं। और ललकार दिया रावण को जटायु जी महाराज ने, पंख जरूर कटवा लिया पर रावण को ललकार दिया। गीधा दे है तज धर हरि रूपा, गीध दे है धर हरि रूपा, भूषण बहु पट पीते अनुपा, भूषण बहु पट पीते अनुपा। श्री राम जय जटायु जी ने रावण को ललकारा, रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। पंखों को काटा, जटायु जी रोते हुए भूमि पर गिर गए। आहा, पंख कटे तो घाव बन गया, घाव खून लगा था, जमीन में गिरे, धरती पर भूमि पर रेत के कण घाव में लग गए। अच्छा विचार करो, घाव में रेत के कण लग जाए और वो सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता। दोनों पंख कट गए, फड़फड़ाकर जटायु जी पैरों में फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। आहा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम 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 राम, आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगी। जब आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगे तो प्रभु श्री राम जनक नंदनी श्री जानकी जी की खोज में वन में विचरण कर रहे थे। लेकिन उसी रास्ते पर गीधराज जटायु को जब आर्तनाद करते देखा, आंखों में आंसू भर करके गीधराज जटायु को अपनी गोद में बैठा लिया। दशा को देखकर प्रभु श्री राम की आंख भर आई, आंख सजल हो गई, नैनों में जल भराया और नैनों में जल भरकर प्रभु श्री राम गीधों को गोद में राज कृपा निधि मैंने सरोजन में भरी बारो, बार ही बार संहारत पंख
जटायु की धूल लटन सोझारो। जटायु जी की धूल को देखकर प्रभु श्री राम ने अपनी जटाएं निकाली। जटायों के बाल बड़े कोमल होते हैं, घाव में दर्द नहीं करेंगे। अपनी जटायों से गीध की घाव में पड़ी हुई रेत के कण को निकालने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, हे जटायु जी, आप कुछ दिनों तक अब जीवित रहोगे। जटायु जी कहते, नहीं नहीं नहीं, अब हमको नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना? महाराज, आप कोई साधारण राजकुमार नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, और हम आपको पहचान गए। आपकी गोद में अगर हमारे प्राण निकलेंगे तो दुनिया में इससे बेहतरीन मौत किसी की नहीं हो सकती है। लोग तो तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय राम नहीं कहे आता, पर हे प्रभु श्री राम, हमारे तो कितने भाग्य, इन नैनों से भी आपको देख रहे और आपकी गोद में भी बैठे। अब ऐसा सौभाग्य हमारा, हमारे जैसा सौभाग्य दुनिया में किसका होगा। तब तक जटायु जी की कान भरने वाले लोग पहुंच गए। जटायु जी के कान में जाकर के बोले, सुनो, बड़े सीताराम 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 करते थे, बड़े सीताराम कहते थे, लो अब तुम्हारे पंख कट गए, अब तुम्हें किसने बचा लिया? जिन राम जी के लिए तुम मरे, क्या उन्होंने बचा लिया? पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? बोले, भैया ठीक हुआ जो हमारे पंख कट गए। तो किसी ने कहा, क्यों? जटायु जी बोले, भैया अगर हमारे पंख होते तो हमें अयोध्या उड़कर जाना पड़ता, हमारे पंख नहीं है, प्रभु श्री राम को चलकर हमारे पास आना पड़ा। ये सौभाग्य तो मिल गया, राम चलकर के हमारे पास आए, ये सौभाग्य तो मिल गया, अब हमें नहीं जाना पड़ा। प्रभु श्री राम ने गोद में रखा, गोद में रख करके राम जी बोले, श्री राम मांगो बरदान प्रिय, तात बिछुरती बार, देंगो सब हार, ये राम रुच तुम्हारी में। राम जी बोले, हे जटायु जी, कुछ मांगो हम तुम्हें देंगे। तो जटायु जी मुस्कुराकर बोले, देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे आज, देंगे कहा आप, रहा क्या आज तुम्हारे पास, देखूं महाराज को बैराग भेषधारी में। राम, आप कहते हम तुम्हें कुछ दे देंगे, अब तुम क्या दोगे? तुम खुद बैरागी हो गए, आपको स्वयं को वनवास हो गया, मकान तक तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, अब आप हमें क्या दोगे? राम जी बोले, नहीं नहीं, मकान नहीं है तो क्या हुआ, हम राजा नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम दे सकते हैं। तो भगवान पर मुस्कुराकर बोले, जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में, हे गीतराज, जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी हूं। साधारण नहीं हूं, बैकुंठ का बिहारी भी तो हैं हम, मांग लो तुम। तो मुस्कुरा करके जटायु जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, प्रभु की संपत्ति को भयो में अधिकारी हो। अब क्या चाहिए, आपकी हम गोद में बैठ गए, तो गोद में जिसको ले लेते हैं तो वो हो जाता है सुत, और जो सुत हो जाता है तो जिसे गोद में ले, और जो गोद में लेता है उसकी संपत्ति फिर गोद में रहने वाले की हो जाती है। राम जी बोले, मतलब? जटायु जी बोले, अब तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है, बैकुंठ अखंड, सब हमारे नाम ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, अब वो हमारा हो गया। मुस्कुरा करके बोले प्रभु श्री राम, जय जयकार करने लगे, धन्य है। मेरे प्रिय जनों, हम आपको इस कथा के मध्य से ये बताना चाहते हैं, जटायु जी ने प्रभु श्री राम के लिए रावण से लड़ गए, इसलिए उनका नाम अजर अमर हो गया और उन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई। हनुमान जी ने अपना जीवन काल राम के लिए जिया, इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा से वह चारों युगों में उनका प्रताप फैल गया और वह भी अजर अमर
हो गए। यही हम तुमसे कहना चाहते, हम लोग भी काम काज के बंदर की जगह अगर राम काज के बंदर हो जाएं तो हमारे भी माता पिता के नाम धन्य होंगे, माँ की कोख धन्य हो जाएगी और तुम्हारा नाम भी पूरी दुनिया में छा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो राम को पाने का क्या उपाय है? राम काज करना पड़ेगा।